अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.8, और इसमें हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय टेलर सीरीज। क्वेश्चन हमारा ये है, कॉस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल cos x and x cube plus x cube over 3 factorial plus up to 7। और हमने ये भी evaluate करना है कि cos 61 की value क्या होगी, ये भी हमें find out करना है। तो देखें, ये जो first left side की हमारी question के है cos x plus h, इसको हम let कर लिए, हमारा function है f of x plus h, और यहाँ से हम ये बना सकते हैं क्या बोला f of x plus h cos x, और फिर हमने इसके बाद डेरिवेटिव लिया f prime of x left or right side का डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास cos का डेरिवेटिव -9 आ गया। इसके बाद f prime का दोबारा डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो ये माइनस एज इट इज आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव cos, तो सेकंड डेरिवेटिव का फिर एक डेरिवेटिव लिया, थर्ड डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव -9, एक आ गया माइनस है, तो ये माइनस है, एक डेरिवेटिव माइनस है और एक आ गया माइनस, तो ये माइनस है, तो ये माइनस है। सॉल्यूशन आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से कैलकुलेशन जा रही है हमारे पास, और भी डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, तो हम कुछ डेरिवेटिव कैलकुलेट करके और अपना सॉल्यूशन जो है वो सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकेंगे जहां तक हमारी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हो। अच्छा, अब हम जो है टेलर फार्मूला जो है वो यूज करते हैं जी। टेलर फार्मूला क्या है जी, वो जरा देखिए, यहाँ से वो लिख रहा हूँ टेलर, ठीक हो गया, टेलर थ्योरम वो लिखता हूँ जी मैं, एफ ऑफ एक्स एच प्लस एच प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये हमारे पास जो है कैलकुलेशन है, बड़ी हमने कुछ कैलकुलेशन ये लिखी हुई हैं इधर, ये आप देख सकते हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम उसमें जो लिखा भी है इसमें पुट करेंगे। देखें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है, ये हमने लिखा था कॉस एक्स प्लस एच के बराबर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा है जी कॉस एक्स, और एफ प्राइम जो है वो नेगेटिव के साथ है, तो ये जो साइन है एच के लिए माइनस हो जाएगा, लिहाजा एच आ जाएगा और साइन माइनस। इसके बाद जो है वैल्यू जो सेकंड डेरिवेटिव की, वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, और जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई ये नेगेटिव कर देगी, और इसका सॉल्यूशन है इस टर्म का एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल cos एक्स आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है वो प्लस के साथ है, तो हमारा सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा, एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और थर्ड डेरिवेटिव की जब हम पुट करेंगे हमारा सलूशन है हो गया बाय टेलर सीरीज। अच्छा, ये जो अभी हमने लास्ट इक्वेशन फाइंड की है, इसको आपको नाम देने से फाइंड कर, तो अब इस इक्वेशन 1 में जो है हम क्या करेंगे जी, ये पुट करेंगे कुछ वैल्यूज क्या कैलकुलेट करने के लिए जी, ये एवेल्यूएट करने के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, उसमें क्या पुट करेंगे जी, ये अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, हम x जो है वो कंसीडर करते हैं जी, इसमें x को हम लेंगे जी 60 डिग्री, और h जो है वो हमारा इसमें जो ऐड हो रहा नंबर ये वैल्यू, उसको हम 1 डिग्री लेंगे, और 1 डिग्री अगर रेडियन में कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना 0.0 0.0 1 7 4 5। अब ये इस जो इक्वेशन 1 है, फार्मूला 1 है, उसमें हम अगर h की जगह और पुट करें x की जगह, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो cos हमारे पास 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा जी cos 60 डिग्री
प्लस, ये देखें इसकी जगह एक्स की जगह पुट करते हैं, और एच की जगह ना हम राइट साइड पे जो है वो रेडियन वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी 0.01245, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा साइन, साइन की जगह हम पुट कर देंगे साइन एक्स, एक्स की जगह जो है पुट कर देंगे 60 डिग्री, और इसके बाद ये टर्म है ठीक है, तो इसको जो है देखें जो हमारे पास ये सर्कल की इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये माइनस, और एच की जगह पुट करेंगे 0.01 0.0 0.0175 और इसके साथ cos 50, और लास्ट टर्म जो है इसमें आप पुट करेंगे क्या अगला 0.01 जगह, और इसके डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, और फिर साइन साइन के साथ एक्स, एक्स की जगह 60 डिग्री, तो जब इसका सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा जी, ये आ जाता है जी, इसको आप कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04844 जो हमारा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है इसका जी, क्लास 60 डिग्री। तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अच्छा फर्दर जो है देखें इसको हम अब हम एक डेफिनेशन जो है दो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जिसमें हमें बताया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है हमारा, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल है किस पे, किसी भी ओपन इंटरवल पे। एफ हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस ओपन इंटरवल पे अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एक्स की हर वैल्यू पे हमें फॉर ईच एक्स कि आप एक्स कोई भी इस इंटरवल से लें और डेरिवेटिव में पुट करें तो पॉजिटिव आए, तो देन हम ये फंक्शन हमारा जो एफ है वो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या है जी, अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो गए तो इसका मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव वो हमें एक्स की किसी भी वैल्यू पर नेगेटिव सॉल्यूशन देगा ए बी इंटरवल से। तो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो है कंडीशंस और डेफिनेशन जो है बता दी गई है। अच्छा अब इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन करते हैं, एक आप क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमें क्या जो है बताया गया। तो ये देखें जी, एक हमने इसका क्वेश्चन करना है जी जिसमें हमें बताना है कि फंक्शन हमारा जो है गिवन फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैं एक जो है क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी, ये क्वेश्चन 9.5 एक्सरसाइज 2.9 एक्सरसाइज। तो इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं जी, और इसमें हमें ये बताया गया है f of x हमारा जो फंक्शन है वो क्या है जी, वो sin x है, sin x है, और x बिलोंग करता है जी -π से π इंटरवल। अब हमें ये बताना है कि -π से π इंटरवल जो है इस पे हमारा जो sin फंक्शन है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है तो किस पार्ट पे है इंटरवल के, और डिक्रीजिंग है तो देन किस पार्ट पे है। देखिए हम फंक्शन जो है कौन सा ले रहे हैं जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन। अच्छा अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं जी, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस। अच्छा अब देखें भी के जो cos फंक्शन होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज देता है,
और इसी तरह से जो नेगेटिव वैल्यूज आते हैं या नेगेटिव सॉल्यूशंस आते हैं कॉस के, वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो यहाँ हम ये बात मेंशन करते हैं जी कि कॉस एक्स जो है हमारे पास सॉल्यूशन किस में देता है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारी बातें करके हम देखते हैं जी। तो हम पहले सबसे पहले जो है कंडीशन देखते हैं कि अगर एफ हमारा इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ एक्स जो है हमारा इंक्रीजिंग होगा, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो अब कॉस की वैल्यू जो है कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, फिर देखना कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमारा कॉस है ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर होगा, तो जीरो से ग्रेटर वैल्यूज जो है वो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होती हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देती है जब एक्स की वैल्यूज हम पुट करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से और फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो कॉस एक्स ये मेंशन करते हैं, कॉस एक्स इज पॉजिटिव या इस तरह लिख सकते हैं, हम ये बता सकते हैं जी कि कॉस जो है हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव होगा इन फर्स्ट इन फोर्थ। तो अगर ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो देखें जी ये हमारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे आ गया -π, π और इधर जो है हमारे पास क्या आ गया जी π/2 -π। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हम देख सकते हैं -π टू π हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और π से π/2 जो है हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये इसमें डालें ये हमारे पास, सॉरी ये एक रोटेशन का ना, और जीरो यहाँ से, तो जीरो से -π/2 से जीरो, और जीरो से जो है हमारा फर्दर जो है हमारे पास π/2, ये हमारा क्वाड्रेंट है फोर्थ। तो इसको देखें जी हम ये देख सकते हैं जी कि एक्स की वैल्यूज जो है अगर हम एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग करे जी कहाँ से जी, एक्स हमारा बिलोंग करेगी 0 से π/2 पे, तो इसका मतलब है कॉस हमारा पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा। और अगर एक्स की वैल्यूज जो है -π/2 से 0 तक होंगी तब भी हमारा सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, इनका ये दो इंटरवल जो हमने लिए ऊपर इनका यूनियन लेंगे तो वो हमें क्या बताएगा, ये देखें जी ये -π/2 से 0 और फिर इसका यूनियन जो है 0 से π/2। तो बेसिकली हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा जी, एक्स बिलोंग करेगा जी -π/2 से π/2 तक जो है, अगर हम ये इंटरवल लेते हैं तो इसके क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। अच्छा अब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं जी, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा जी, यहाँ से फंक्शन का डेरिवेटिव हम लिख चुके हैं, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी और बिहेवियर देगा। तो इसमें देखें जी फंक्शन हमारा जो है गिवन फंक्शन वो डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, फंक्शन का डेरिवेटिव वो लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि कॉस एक्स हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, और कॉस एक्स इज नेगेटिव या लेस देन 0 हम ये कह सकते हैं कि कॉस का सॉल्यूशन जो हमारा लेस देन 0 होगा, वहां पे गला इज cos x less than 0 is in second and third। तो इसके लिए देखें जी हमने जो अभी एक क्वेश्चन बनाया था, तो यहाँ से देखें जी ये 0 हो गया π/2 π -π/2 और इधर π हम लिख सकते हैं एक रोटेशन का एंगल जो है,
अब इसमें देखें जी, ये हमारे पास पार्ट जो है सेकंड क्वाड्रेंट का है और दूसरा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स की वैल्यू जो है लाई करेगी कहाँ से, पाई ओवर टू से पाई, या हम ये कह सकते हैं जी ये जो हमारा सॉल्यूशन है पाई ओवर टू से सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है ना, पाई ओवर टू से पाई, ठीक है, पाई ओवर टू से। अच्छा ये जरा देखें जी, ये हमारे पास जरा ये हमारा जो एंगल कितना है जी, ये हमारा माइनस पाई भी है और पाई भी है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पाई आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पाई आ जाएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस पाई इस लाइन। अच्छा अब इसके बाद देखें जी, हमने जो ये लिखा है जी एंगल, तो ये पाई ओवर टू से पाई और ये एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो माइनस पाई ओवर टू से माइनस पाई ओवर टू से माइनस पाई हो जाएगा। इन दोनों को, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे हमारा जो सोल्यूशन है, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल से लाई करेंगी देन हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, वो नेगेटिव सोल्यूशन देगा, और नेगेटिव सोल्यूशन देगा तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है साइन फंक्शन है ये वाला, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है।